हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत है आप सभी का ईडीयू क्रैश में। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एटीएल, बीटीएल और टीटीएल, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट होता क्या है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप मिस ना करें। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली एटीएल, बीटीएल एंड टीटीएल मार्केटिंग एक्टिविटीज आर। तो एक एक करके बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे एटीएल की। तो एटीएल जो है अबव द लाइन, इसका फुल फॉर्म जो होता है अबव द लाइन होता है। अबव द लाइन मतलब कि जो टारगेट ऑडियंस है वो पूरा मास होगा, बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करेंगे इस एडवर्टीजमेंट या फिर मार्केटिंग के थ्रू। और जिसके किसके थ्रू करते हैं, जो कि इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये जो है मास मीडिया को कवरेज करता है, क्योंकि टीवी सबके घर में है, सब उसी ऐड को देखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। इंटरनेट सभी यूज कर रहे हैं, तो ये भी बहुत, इसीलिए इसको बोलते हैं एटीएल, अबव द लाइन, मास, जो मास ऑडियंस को टारगेट करे। रेडियो भी सभी सुनते हैं, न्यूज़पेपर सबके घर जाते हैं, इसका न्यूज़पेपर का तो आप सोच सकते हैं कि हर घर में जाता है, दो दो तीन तीन न्यूज़पेपर। और फिर बात करते हैं मैगजीन्स की, तो मैगजीन्स भी बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने की। तो अब देखते हैं, ये देखिए आप, ये गोवर्धन घी की जो होर्डिंग लगी हुई है, मास है, जो भी इधर से आया जाएगा सबको दिखेगा। फिर हम बात करते हैं जीरो कोलेस्ट्रॉल वरीज का, न्यूट्रीलाइट का बटर है, जो कि ये भी न्यूज़पेपर में है, जो कि मास यानी सबके घर में, सबको, हर एक इंसान को ये एड दिखाई देगा। फिर कोको कोला का आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि रेड एफएम में अमिताभ बच्चन सर हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत मास ऑडियंस को टारगेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं बीटीएल, बिलो द लाइन। बिलो द लाइन में इसकी कोई स्पेसिफिक एरिया में, किस कोई स्पेसिफिक रीजन में अगर सेल्स बढ़ानी है और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए लोकल कैंपेन्स चलाते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूटर या तो कंपनीज खुद चलाती हैं, या दोनों मिलके भी चलाती हैं कभी कभी। तो आप यहाँ देख सकते हैं आइडिया की मोबाइल वैन है, जो कि घूम घूम के इधर जहां पे जो भीड़ इकट्ठा होती है उस एरिया में वो जाके खड़े होते हैं और वहां पे एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आइडिया कनेक्टिंग पीपल, व्हाट एन आइडिया सर जी, दीज ऑल आर द टैगलाइंस ऑफ आइडिया विच दे आर यूजिंग। फिर हम बात करते हैं सैमसंग एलईडी टीवी। तो सैमसंग एलईडी टीवी की वैन जो है वो एक डेमो प्रोडक्ट को ले ही रहती है, और डेमो प्रोडक्ट को वो दिखा के लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस देती है, फील कराती है, उसके बाद लोगों को ऑफर्स दिखाती है, कैश डिस्काउंट, होम डिलीवरी ऑप्शन, बहुत सारी कुछ बता के उस पर्टिकुलर रीजन की लोगों को फोकस करती है कि ये प्रोडक्ट खरीदो। फिर हम बात करते हैं इंटरेक्शन, जो फोकस टारगेट कस्टमर होता है वो इंटरेक्शन बीटीएल एक्टिविटीज में ज्यादा होता है और एटीएल में कम होता है। फिर हम बात करते हैं बीटीएल एक्टिविटीज में ट्रैक रिजल्ट और आरओआई मेजर। ट्रैक रिजल्ट में कि बीटीएल एक्टिविटीज में हम जितना रिजल्ट क्या आ रहा है उस एक्टिविटी को करने का, और आरओआई मेजर इसलिए करते हैं कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं बीटीएल एक्टिविटीज को करने के लिए, उतना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारे पैसे लगाने पे, उतना मुझे रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, ये होता है मेजरबिलिटी। फिर हम देखेंगे एक एक करके कि अबव द लाइन और बिलो द लाइन मीडिया में अंतर क्या होता है। अबव द लाइन जो है पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि मास ऑडियंस को टेलर करता है, जो कि रीच करता है बड़े मास ऑडियंस को, और ये आर टारगेटेड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर एक्सप्रेस नीड एंड प्रेफरेंसेस। ये इंडिविजुअल कस्टमर्स को किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिखाता है और इसके नीड्स एंड प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। फिर हम बात करते हैं अबव द लाइन में सेकेंड पॉइंट जो है वो एस्टैब्लिश ब्रांड आइडेंटिटी एंड री इन्फोर्स इमोशनल कॉन्सेप्ट सराउंडिंग द ब्रांड प्रोडक्ट। ये जो है ब्रांड की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करता है और लोगों से इमोशनल कनेक्ट दिखाने की कोशिश करता है ब्रांड को लेके या फिर प्रोडक्ट को लेके। फिर अगर हम बात करते हैं बीटीएल में, तो दूसरा पॉइंट है इश्यू अ कॉल टू एक्शन इंस्पायरिंग स्पेसिफिक कस्टमर एक्टिविटीज और टेलर्ड मैसेज अबाउट द प्रोडक्ट और द ब्रांड। ये किसी स्पेसिफिक कस्टमर की एक्टिविटी को देखते हुए उनके उन्हें अप्रोच करता है, इस प्रोडक्ट या ब्रांड को लेके पिच करता है। फिर हम बात करते हैं कि अबव द लाइन में थर्ड पॉइंट जो है मे और नॉट
डेराइव कस्टमर रिस्पॉन्स, इसमें कस्टमर रिस्पॉन्स आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट बिलो द लाइन जो मीडिया है उसमें कस्टमर रिस्पॉन्स नेसेसरी है, फिर नहीं तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो बीटीएल एक्टिविटीज कोई भी डीलर या फिर कंपनी नहीं करेगी। फिर अब एटीएल में देखते हैं कि आर डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू मेजर एनी एक्यूरेसी, ये बहुत ही मास मीडिया को कवर करता है, कौन इससे कन्वर्ट हो रहा है सेल्स की नहीं हो रही है, इसका जो है एक्यूरेसी नहीं नापी जा सकती है, बट इसके केस में पूरा मेजरेबल होता है क्योंकि जो रीजन है वो हमारा पर्टिकुलर एक रीजन है, और इस रीजन में अगर सेल्स होती है कन्वर्ट होता है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे उससे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, ये सब मेजर किया जा सकता है। फिर कैटर टू मास मार्केट, ये जो मास मार्केट को दिखाता है अबव द लाइन, और ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर्स एंड मार्केट, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन में बताता है। अब सबसे जो ज्यादा चल रहा है इस समय वो है आज के समय का, वो है टीटीएल, दैट इज थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन जो पहले तो एटीएल बीटीएल होता था, अब दोनों को मिक्स करा, एटीएल प्लस बीटीएल दैट इज टीटीएल बनता है। फिर हम दिखाते हैं आपको टीटीएल होता क्या है। थ्रू द लाइन में मिक्स ऑफ एटीएल एंड बीटीएल, यहाँ पे फेसबुक के थ्रू हम शेयर कर रहे हैं, तो एक रीजन में भी हो रहा है, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी देख रहे हैं, और ये शेयर के थ्रू जो है मास मीडिया को भी टारगेट कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ, दोनों चीजें हो गई, एटीएल एंड बीटीएल बोथ, जरूरत पड़ने पे टारगेट ऑडियंस को भी, और जरूरत ना पड़ने पे मास ऑडियंस को भी कभी कभी कैटर कर सकता है। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन अप्रोच क्या होता है, किस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कैसे अप्रोच करता है, कस्टमर को कैसे अप्रोच करें, लोग कैसे, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कैसे अप्रोच करती, कस्टमर तक कैसे पहुंचती, या तो उसके मोबाइल फोन से, ये तो ब्लॉग्स लिख के जो कि कस्टमर पढ़े, रिव्यूज पढ़े, उसके बाद उसको प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट हो, या तो सोशल मीडिया पे देखता है, या मल्टीमीडिया यानी गाने पे, एफएम पे सुने, या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू पहुंच सकते हैं, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू, मेल के थ्रू आप लिंक्स भेज के और लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्स में। फिर प्रिंट मीडिया एंड डायरेक्ट मेल, प्रिंट मीडिया वही न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन्स वगैरह हो गई, और डायरेक्ट मेल्स की अगर इंडिविजुअल की लिस्ट है कि इन कस्टमर को इसकी, जैसे कोई सपोज कोई बंदा है जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी करते टाइम अब एग्जाम जब होते हैं तो बाहर वहां पे डिटेल्स नोट होती है, मेल, फोन नंबर्स एंड आईडी वगैरह एक्सेट्रा, तो उस टाइम क्या होता है, अगर बच्चे का एडमिशन हो गया तो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो क्या करते हैं, वही मेल आईडी और फोन नंबर, मीन्स कि ये बच्चे को जरूरत है आईआईटी की तैयारी करने की, तो डायरेक्ट कोचिंग वाले डायरेक्ट मेल करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। फिर हम बात करते हैं सर्च की, तो हम गूगल पे जो है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसे है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितने का है, प्राइस कंपैरिजन वगैरह देख सकते हैं, वेबसाइट पे उसकी पूरी डिटेल्स हो तो भी कस्टमर आता है उसके देखता है पढ़ता है, सोशल शेयर से भी होता है, वीडियो उसके जो है एड्स में आते हैं उसके भी बहुत ज्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं, ये सभी मिलके इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, इन सभी के थ्रू मार्केटिंग होती है। तो फिर पब्लिक रिलेशन, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट से टाइप हो जाते हैं, ये हो गया, बहुत सारे, ये जो पूरा जो सर्कल है इसमें जितनी भी चीजें हैं, सोशल मीडिया, मल्टी मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया, डायरेक्ट मेल, सर्च, वेबसाइट, सोशल सर्च, वीडियो, अदर ऑफलाइन मीडिया, पब्लिक रिलेशंस, फिर है ब्लॉग और मोबाइल, ये सब मिलके एक मार्केटिंग की कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज बनाती हैं जिससे कि सेल्स कन्वर्ट होती है। क्या होती है, कन्वर्ट होती है। होप आप सभी को एटीएल बीटीएल बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसमें एक बहुत अच्छी केस स्टडी है जो कि डोमिनोज की, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें डोमिनोज जो है वो एटीएल बीटीएल दोनों ही करता है, जैसे कि अगर स्पेसिफिक रीजन में है तो वहां पे कुछ 50% 10% ऑफ का वहां के लोगों को ऑफर मिल सकता है, बाय वन गेट वन किस दिन क्या है, बट ये कभी कभी जो है वो एटीएल भी करता है, जैसे कि टीवी एड्स वगैरह हुए, तो ये दोनों ही करते हैं। आजकल के सारे मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो टीटीएल में ही बेस्ड हैं, कोई एक पे नहीं फोकस कर रहा है। इसकी स्टडी, केस स्टडी जरूर पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आपको क्या समझ आया केस स्टडी से। तब तक के लिए
अगली वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं किस पे आपको अगली वीडियो चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।